हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानव कुमार और आप देख रहे हैं बीस्ट इन ब्रदर। तो जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पर देख ही लिया होगा, मैं आपको सिखाने वाला हूँ द एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ओर्टन का फिनिशिंग मूव आज के ओ। उससे पहले अगर आप गोरिल्ला प्रेस को सीखना चाहते हो और जॉन सीना के फिनिशिंग मूव एफ यू को सीखना चाहते हो तो उसकी वीडियो की लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन पर भी मैं डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप निकल के आता है पोजीशन। वैसे तो आरक्यू किसी भी पोजीशन से दी जा सकती है, जैसे कि इस तरीके से जैसे स्पेयर में भी आरक्यू दी जा सकती है। पर अगर आपको आरक्यू सीखनी है तो आपको फेस टू फेस पोजीशन रखनी है। तो सेकंड स्टेप है ग्रिपिंग। बहुत से लोग आरक्यू देते समय ग्रिपिंग में ही सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, क्योंकि वो गर्दन को ढंग से पकड़ते नहीं हैं। आपको अपने राइट हैंड को इस तरीके से गर्दन के पीछे से निकाल कर पकड़ना है और लेफ्ट हैंड को आपको सर के ऊपर से हाथ रख कर पकड़ना है। आरक्यू देते समय आपको अपने अपोनेंट के नेक को कुछ ढीला पकड़ना है कुछ इस तरीके से, वरना तो आपके फ्रेंड के नेक इंजरी हो सकती है। और इसके साथ साथ आपको जंप भी सीखनी होगी। हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप निकल के आता है फेस बम। सबसे पहले आपको फेस बम खाना जरूरी है। आपके अपोनेंट को अगर आप फेस बम नहीं खाओगे तो आपके नेक में इंजरी हो सकती है और आरक्यू को भी आप ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और इसके साथ साथ आपको बैक बम खाना भी बहुत ज़रूरी है। जो आरक्यू परफॉर्म कर रहा होगा यानी जो आरक्यू दे रहा होगा उसको बैक बम परफॉर्म करना है, वरना तो आरक्यू ढंग से नहीं पड़ेगी। और आपको आरक्यू देते समय कुछ इस तरीके से आगे बढ़ना है, वरना तो आपके फ्रेंड के नेक इंजरी हो सकती है। और पहले ही आप इसे छोटी हाइट से ट्राई करें और गद्दों पर ट्राई करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से दबा देना। आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।